रीट पेपर 2 रद्द होने के बाद इस पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी सिटाकशी के बीच टॉक में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रीट में हुए भ्रष्टाचार से बेरोजगारों के पैसे डूब गए हैं। जमीन जायदाद बेचकर भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ने वाले युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि पीड़ित बेरोजगारों के खर्च का भुगतान करे। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं से अपील की है कि रीट के नाम पर जिसने भी पैसा लिया है उनका नाम लिख कर दें, जिससे वो पैसा दिलवाने की कोशिश कर सके। आप भी सुनिए कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में सभी पेपर लीक हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का हो, जेईन का हो, लाइब्रेरियन का हो, रीट का बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, जिसके लिए आंदोलन किया बेरोजगारों ने, उसमें मैं भी शामिल हुआ और प्रमाण दिए सरकार को, एसओजी को, मीडिया के सामने रखे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल 7 फरवरी को सरकार ने रीट लेवल 2 का परीक्षा रद्द कर दी। अब ये परीक्षा रद्द हो जाने के बाद में जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, जिनको ये लुटेरों ने लूटा, रीट पेपर लीक करने वालों ने, जिसमें सरकार के अधिकारी थे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े नेता हैं, और जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, जो कांग्रेस का एनजीओ है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स ने, और ऐसे कोऑर्डिनेटर जो प्राइवेट हैं, जो सरकारी नहीं है, मैंने उनके नाम उजागर किए थे और शिक्षा संकुल से पेपर जानबूझ के लीक किए गए। और उस पेपर लीक करके पता नहीं कितने बच्चों को ठगा है, लूटा है, और उससे निराश होकर आज टोंक के उनियारा तहसील में रानीवास गांव के निवासी एक लोकेश ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उससे 40 लाख रुपए लिए थे। वो घोर निराशा में डूब के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर बैठा। इसलिए मैं राजस्थान के सभी उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं जो लुट गए हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घोर निराशा के इस समय में, इस संकट में मैं आप लोगों के साथ हूं। आप मेरे को बताएं किस किस ने आपसे पैसा लिया है, उस पैसे को दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मैंने रीट की लड़ाई लड़ी है, वैसे जो आपकी लूट हुई है, रीट में जो चीट हुई है, उसको दुरुस्त कराऊंगा, आपके पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा।